आदरणीय सबसे प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रथम सवाल है कि मंडल ने मुझे सत्संगी भाइयों के प्रश्न आपसे सम्मुख करने का अनुरोध किया। कृपया आशीर्वाद कीजिए कि मैं ये बार बार जिसको एक वस्तु प्राप्त करने हो उसकी बुद्धि एक रूपा होती है। आप अपनी बुद्धि को निष्काम बनाना चाहें तो वो एक रूप हो जाती है। व्यवसाय आदमी का बुद्धि एक ही बना बहुत साखा या अनुसार जो हजार चीज पाना चाहता है उसकी बुद्धि में भी हजार रूप होंगे और एक ही वस्तु को प्राप्त करने के लिए अनेक अनेक बुद्धि होगी। कभी इस उपाय से मिलेगा तो कभी उस उपाय से मिलेगा। कौन सा व्यापार करें किसकी मदद लें किसको पार्टनर बना रहे हैं किसको अपने व्यापार में काम करने के लिए रखते हैं। जब आपको बहुत सी चीजें पानी होंगी तो बुद्धि भी बहुत सी होगी और एक निश्चय पर आप दृढ़ नहीं रहते। बहु शाखा या अनंताष्ट्र बुद्ध हो अव्यवसायिनाम जिनके हृदय में पक्का व्यवसाय अंतिम वस्तु चरम वस्तु प्राप्त करने की लालसा नहीं हो वो कभी सोचेगा कि जापान जाने से अपना काम बनेगा तो कभी सोचेगा कि लंदन जाने से काम बनेगा कभी सोचेगा अफ्रीका में व्यापार करें तो कभी सोचेगा कि सिंगापुर में काम अच्छा करें। माने एक निचोड़ पर एक निश्चय पर वो नहीं पहुंच सकता। उसको तो जहां काम बने सोचे साखा निरंतराष्ट्रीय बुद्धि में बहुत शाखा टूट जाएगी और उनका कहीं अंत नहीं मिलेगा क्योंकि आपने अपने जीवन के लिए कोई परम निश्चय कोई चरम निश्चय कि हमको यही पाना है नहीं दिया। यहां तक कि जो लोग परलोक को जाते हैं उनके ऊपर भी मैं बहुत छींटा तसी की या विमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन कवि कश्चित वेद बहादरता पार्थ अन्य दस्ती पिला देना कामात्मान स्वर्ग परा जन्म मृत्यु पर प्रदान क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर जगत प्रति हो गई स्वर्ज प्रसक्ता नाम दया प्रकृति प्रसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधि हृदय आपकी बुद्धि में एकाग्रता नहीं आवेगी एक निश्चय पर जिसका ये निश्चय हो जाएगा कि मैं जीवन में मोक्ष प्राप्त करना भगवान का दर्शन करना है भगवान का प्रेम प्राप्त करना है समाधि लगानी है अच्छा इन बातों को छोड़ दे तो चाहे कुछ भी हो जाए हमें अधर्म के मार्ग पर नहीं चलना है।
आपका जब लक्ष्य एक होगा तो बुद्धि भी निश्चयात्मक हो जाएगा। कोई यश प्राप्त करना चाहते हैं, कोई प्रतिष्ठा चाहते हैं, कोई अखबारों में नाम छपवाना चाहते हैं, तो जैसे जैसे काम होगा तुम्हारे चित्त में वो तुम्हें विकसित करता रहेगा। बुद्धि को एक बनाने के लिए, निश्चयात्मक बनाने के लिए लक्ष्य की एकता होनी चाहिए। रास्ते में तो बहुत मिलते हैं, बीच ही माया मिली रहे लपटाई के, हारे पलटू परे नरक में जाए महंती पाए। तो ये महंती केवल मठ मंदिरों की ही नहीं होती है, ये जो बहुत बड़ी बड़ी गतियां हैं वो भी एक तरह की महंती ही है। तो आप निश्चय को दृढ़ करने के लिए पहले एक दृढ़ संकल्प कीजिए, योजना पक्की कीजिए। जब पंडित लोग आपसे संकल्प करवाते हैं तो उस पर जरा ध्यान दीजिए, आपको जो काम करना है वो किस स्थान में करना चाहिए, उसके लिए जगह सबसे अच्छी बात है। देश काल में संकीर्तियां, उसके लिए अनुकूल समय है कि नहीं, और आपकी परंपरा के साथ और अध्ययन के साथ उस कर्म का कोई संबंध रहा है कि आपके पिता पितामह वो काम करते रहे हैं, या आपने उसके संबंध में कोई विशेष ज्ञान प्राप्त किया है। पास की इंजीनियरी और करने लगेंगे डॉक्टरी तो वो नहीं चलेगी, पास करेंगे डॉक्टरी और करने लगेंगे इंजीनियरी तो वो भी नहीं चलेगी, उसके लिए अध्ययन। अच्छा, उसके लिए जो सामग्री चाहिए वो आपके पास है कि नहीं है? करने के लिए जो आदमी चाहिए वो आपके पास है कि नहीं है? आपका वो काम कितने दिनों में पूरा होगा? ये संकल्प करो, ये जो पंडित लोग संकल्प पढ़ते हैं ना, उसमें इतने दिन में ये काम होगा, इतने ब्राह्मण ये करेंगे, मैं अमुक गोत्र का हूँ, ये योजना कैसे बनानी चाहिए ये बात संकल्प है। सम्यक कल्पना कर ली गई है कि हमको भविष्य में क्या करना है, और एक निश्चय पर दृढ़ हो जाइए। जैसे हम ये इतना जप करेंगे, इतना पाठ करेंगे, इतनी पूजा करेंगे और इतने दिन तक करेंगे करते हैं, वैसे आप जो भी काम कीजिए उसमें पूरी योजना अपने ध्यान में रखिए और एक निश्चय पर करते हैं। जैसे कोई काम करता है तो उसमें बीज बोना पड़े, इस प्रकार गणेश की पूजा करते हैं, इसी प्रकार महाराज वहाँ के थानेदार की भी पूजा कर लीजिए, इनकम टैक्स के अफसर की भी पूजा कर लीजिए, मिनिस्टर की भी पूजा कर लीजिए, और जो जो विघ्न बाधा आवे उसके निवारण के लिए गणेश की पूजा होती है। तो आप अपने मन और अपनी इंद्रिय गण है, मनोवृत्ति गण है, उनके स्वामी ईश्वर गणेश ने आप उनको भी ठीक ठीक बना दीजिए। आपके भीतर कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। तो पहले सत संकल्प कीजिए, उसमें जो संशय विपर्जय हो दूर कीजिए, जैसे वो काम पूरा करता हो करना हो निश्चय कीजिए। यदि आपको हलवा बनाना हो घर में रसोई बनाते समय, तो पहले से घी और जिसका बनाते सूजी, घी और सूजी और शक्कर पहले से रख लीजिए, तब कढ़ाके चढ़ाइए। ये नहीं कि कढ़ाई चढ़ा दी तब गए घी लेने के लिए,
तो तब गए सूदी लेने के लिए, तब गए शक्कर लेने के लिए, पहले से पूरी तैयारी करके बनाना है, फिर निश्चय से पक्के निश्चय से उसको बनाइए। घी ज्यादा घी कम लगाना हो तो पहले सूजी को भून लीजिए और पक जाने के बाद सीरा है उसमें चाशनी डालिए, ठंडा पानी नहीं डालिए। यदि आपको घी कम लगाना हो तो हलवा बनाइए, चाशनी से बनाइए और बाद में थोड़ा सा घी डाल दीजिए, वो छलक जाएगा, मालूम पड़ेगा घी घी है। एक खोमचे वाले बेचते हैं तो मैंने पूछा था इतना सस्ता कैसे बनाते हो, तो बाबा सब काम ठीक ठिकाने से करना चाहिए और कोई विघ्न बाधा आ जाए तो थोड़ा उसको सह लीजिए, थोड़ा दूर कर लीजिए, निश्चय पर कर। प्रत्यक्ष प्रमाण से दुख की रूप और उनका कारण रूप संसार दिखा है के जगत की चिंता को देखकर उनके पाप हेतु संसार का होना अनुमान से ही सिद्ध होता है, परंतु आत्मा और ईश्वर की एकता मानने पर ये सब के सब अयुक्त रहते हैं। मानने से तो कुछ नहीं होगा, मानने से तो अव्यवकूफी ही बढ़ती है, क्योंकि आत्मा और ब्रह्म की एकता मान बैठेंगे तो कहेंगे हमको पाप पूर्ण नहीं लगता है, नरक स्वर्ग नहीं होता है और जीवन में सारी बदमाशियां भर जाएंगी। इसलिए आत्मा ब्रह्म की एकता को मानना कभी नहीं चाहिए और सुख दुख का प्रत्यक्ष नहीं होता हो, नाक से देखते हैं सुख दुख, न कान से सुने जाते हैं, न जीव से सुख दुख छुआ जाता है, देखा जाता है। सुख दुख तो अपरोक्ष अनुभव है, न सुख दुख स्वर्ग में रहता है नरक में, और न सुख दुख खड़ा कपड़ा की तरह बाहर रहता है। सुख दुख को अपने मन में जिस वस्तु की अनुकूलता की कल्पना हो जाती है वहाँ सुख मालूम पड़ता है, जहाँ प्रतिकूलता की कल्पना मालूम पड़ती है वहाँ दुख हो जाता है। ये आत्मा ब्रह्म की एकता मानना सबसे अधिक खतरनाक है। अज्ञस्य अर्थ प्रबुद्धस्य सर्वं ब्रह्मे विजो वदे महानिरय जालेषु सतेन विनियोजिता। चोर को बता दे कि तू ब्रह्म है तुझे पाप पूर्ण नहीं लगता, व्यभिचारी को बता दे कि तू ब्रह्म है तुझे पाप पूर्ण नहीं लगता, तुझे नरक स्वर्ग नहीं मिलेगा, तो अपना तो सत्यानाश करेगा ही समाज का भी सत्यानाश करेगा। इसलिए ये जो चार बाघ के चार हैं गण हैं, उन लोगों ने लोगों को धर्म से, उपासना से, योग से विमुख करने के लिए, नरक में गिराने के लिए अयोग्य व्यक्तियों को ये बताया कि तुम मान लो कि आत्मा और ब्रह्म एक है, उसके लिए योग्यता चाहिए। और जब तक आप किसी को पाने से सुख मानते हैं, किसी के मिलने से दुख मानते हैं, संग्रह करके 5 रुपए आ गया कितने सुखी हुए, 5 रुपया गया दुखी हो गए, कोई खाने पीने को भोग करने को बढ़िया चीज मिल गई सुखी हो गए, नहीं मिली दुखी हो गए, मनोराज्य करते हैं हमको ये मिलेगा नहीं मिलेगा दुखी हो गए, कोई आदत पड़ गई भांग पीने की, शराब पीने की, भीम खाने वाले पेड़ हमने बहुत देखे हैं जिनको आदत पड़ जाती वे लोट पोट होते थे, नहीं हमको थोड़ी सी अफीम थी, हम लोग के घर में अफीम की खेती होती थी। तो ये जो
आदतें बुरी बुरी पड़ जाती हैं और पहले से लड़की आशा बना देती है कि मोटर वाले के घर में हमारा ब्याह होगा, बड़ी बढ़िया बिल्डिंग होगी, फर्नीचर बहुत अच्छे होंगे, हमारा पति बढ़िया बढ़िया चायदार बोलेगा। ये सब दुख दुख का मूल है। पहले आप अपने शरीर को चरित्रवान बनाइए, जब उसमें सच्चा चरित्र आवेगा, आप अच्छे अच्छे काम करने लगेंगे और मन में आपके अच्छे अच्छे भाव आने लगेंगे, जब अच्छे अच्छे विचार आने लगेंगे। जज की अदालत में एक आदमी पेश हुआ, जज ने पूछा कि क्यों भाई तुमने ऐसा काम क्यों किया। बोले कि मैं कोई काम अपने मन से नहीं करता, जैसे ईश्वर प्रेरणा करता है वैसे करता हूं। ईश्वर की आज्ञा प्रेरणा के अनुसार पत्ता पत्ता हिलता है, हमारा शरीर हिलता है और ईश्वर की प्रेरणा से मैंने ये काम किया। पूरी सत्य हो गया महाराज, अदालत सारी चुप। जज एक मिनट रुका, उसने कहा ठीक है, जिसने तुम्हारे हृदय में बैठ के तुम्हें चोरी करने की प्रेरणा दी वही हमारे हृदय में बैठ के कह रहा है कि इसको 10 वर्ष की चाई कहते हैं, वही है ना। तो भाई मेरे, यदि आप अपने स्वरूप के अनुरूप काम नहीं करोगे और मान लोगे कि हमें पाप नहीं लगता है, नरक में नहीं जाना पड़ता है, पुनर्जन्म नहीं होता है, तो ये मानना आपके लिए बहुत महंगा सिद्ध होगा। इसलिए इन मूर्खतापूर्ण मान्यताओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए और अपना जो कर्तव्य है, आप माता पिता के पांव छूते हैं कि नहीं, जिसने आपको शिक्षा दी है उसका आदर करते हैं कि नहीं, समाज की सेवा के लिए आप कोई काम करते हैं कि नहीं, आप अपने चरित्र को पवित्र रखते हैं कि नहीं। मूल प्रश्न ये है। ये सब क्या इन्होंने बोला वो तो मैंने बहुत स्पष्टता से समझा नहीं कि प्रत्येक प्रमाण देखो जीव और ब्रह्म की एकता हो जाए, सुख और दुख और पाप और पुण्य नहीं रहता है। आज ऐसा ही था ना, तब तो कोई बात पहले हो जाने दीजिए, उनसे कहिए कि आप पहले एकता हो तो जाने दीजिए, अभी तो आपकी फल से एकता है, आपकी पुत्र से एकता है, मकान से एकता है, स्त्री पुरुष से एकता है, तो अभी तो चोरी बेईमानी से एकता है, जब हो जाएगी जब देखा जाएगा। इतने बड़े ऊंची पद पर जहाँ आत्मा और ब्रह्म की एकता हो जाती है, वहाँ बैठ के अगर आप पाप ही करेंगे कि हमको पाप नहीं लगता है, तो आप आत्मा और ब्रह्म की एकता को कलंकित करेंगे। इसलिए ये बात बिल्कुल छोड़ दो कि आत्मा ब्रह्म की एकता होने पर क्या होता है। आप पहले उसको होने के लिए जो साधन चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करो, भगवान की उपासना करो, योगाभ्यास करो और सत्संग करो। जब आपका अंतकरण शुद्ध हो जाएगा तब आत्मा ब्रह्म की एकता का ज्ञान भी हो जाएगा। और उसके बाद क्या होता है ये सोचने की कोई जरूरत नहीं। एक भाई ने बड़ा एक सुविधा पर निकट प्रश्न आपके प्रति आकर्षण कैसे कम के प्रति आकर्षण कैसे कम हो। हाँ प्रश्न सीधा है, एक बात आप ध्यान दो, काम मिटाने की इच्छा आपके मन में कितनी देर तक रहती है। अब लो
जितनी देर तक आपके मन में काम को मिटाने की इच्छा उतनी देर तक काम आपके मन में नहीं आवेगा, क्योंकि काम मिटाने की जो इच्छा है वो भी काम ही है। तो एक साथ काम पूरा करने की कामना पूरी करने की इच्छा और कामना मिटाने की इच्छा, ये दोनों एक अंतकरण में नहीं रह सकते हैं। इसलिए कामना मिटाने की यदि इच्छा आपके मन में आ गई तो काम दूर से थकेगा, अरे इसके मन में तो मुझे मटिया मेट कर देने की इच्छा है, तो भी इसके अंदर मत जाओ। दूसरी बात ये है कि आपको अपने अंदर जिस चीज की कमी दिखती है उसको आप चाहते हैं। जैसे स्त्री को अपने में पुरुष नहीं दिखता है तो मालूम होता है हमारे अंदर पुरुष नहीं है, न जाने पुरुष में क्या होगा, और पुरुष सोचता है कि मैं स्त्री नहीं हूं, तो पता नहीं स्त्री के भीतर क्या होगा। वो स्त्री को जानता है, अपने में जिस वस्तु का अभाव अनुभव होता है, गरीब धन को जानता है, विद्यार्थी स्त्री जानता है। इस संस्कृत भाषा में इसके लिए एक कहावत, ये साधु लोग स्त्रियों से बात करना ज्यादा पसंद करते हैं और स्त्रियां जो है उनको ये उत्सुकता रहती है कि साधुओं में ऐसी क्या विशेषता है, घेर के रखते हैं उसको। तो सावधान भाई साधु सावधान दीजिए और हाँ बोला ध्यान दीजिए इस बात पर। यदि आप किसी प्रकार ईश्वर के साथ प्रेम करें तो ईश्वर में स्त्री भी है पुरुष भी है, गरीबी भी है धन भी है, विद्या भी है विद्या भी है, आपकी ये इच्छा मिट जाएगी। ये जो चिपकने का मन होता है ना, पहले मन होता है देखने में क्या पाप लगता है, फिर मन होता है बात करने में क्या पाप लगता है, फिर मन होता है छूने में क्या पाप लगता है, फिर मन होता है एक साथ खाने में क्या पाप लगता है, और बस उसके बाद कोई भी रोक रोक नहीं रहती है। इसलिए पहले से ही अपने को सावधान कर लेना चाहिए। आपको सुंदरता चाहिए तो भगवान की सुंदरता का ध्यान कीजिए। श्री रंग क्षेत्र में भगवान श्री रामानुजाचार्य ने देखा कि एक पुरुष स्त्री को छाता लगाकर और उसकी ओर मुख करके उसके मुंह की ओर मुख करके और पीछे की ओर चल रहा है, जो जो स्त्री आगे बढ़ते जाते हैं वो पीछे को चलता जाता है। अरे ये तो बड़ा प्रेमी है भाई, खबर में जी खुला तो आता नहीं था, क्योंकि पापवंत कर सहज स्वभाव, पापी का सहज स्वभाव होता है कि वो सत्संग में जाने में डरता है, जाए भी तो संत से संत उसके निकट जाने में डरता है। मोरे सन्मुख आओ किशोर, यदि उसके हृदय में छल कपट होगा तो संत के सामने कैसे जाएगा। रामानुजाचार्य जी ने उसको बुलाया, डर गया वो। तो उस वेश्या ने कहा, बड़ी सुंदर वेश्या थी, विश्व सुंदरी, उसने कहा जाओ नहीं तो वो बाबा जी साथ दे देगा। डर से गए। रामानुज ने पूछा कि भाई तुम तो बड़े प्रेमी हो, उस स्त्री में ऐसा क्या है कि तुम उसकी इतनी सेवा करते हो, देखते देते हो दिखाते देते हो, लाज लगा मन मानी मोहब्बत नाए, ये मुझोर तुरंग न हो ऐसे तो भूल चले जाए, क्या बात है। तो बहुत सुंदर है महाराज, मैं तो देख के तंग रह जाता हूँ, आश्चर्य चके। बोले अच्छा उससे सुंदर दिख जाए कोई तो
बोले तो उससे प्रेम करेंगे। सो उन्होंने अपनी आरती सजोई और जो भगवान के सामने आरती ये थी, ये जैसे तुम लोग शांति पाठ करते हो ऐसे आरती का भी एक नियम होता है, कितनी बार मुख के सामने, कितनी बार छाती के सामने, कितनी बार पांव के सामने, कितनी बार सब में उसकी जो आरती करी उन्होंने, ऐसी सुंदरता प्रकट हुई भगवान की, वो छवि छटा छलकी कि वो तो बस वही मुक्त हो गया। और उसने कहा बस महाराज अब हम नहीं जाएंगे, यहाँ पे इन्हीं की सुंदरता निहारेंगे। और श्री रामानुजाचार्य ने उसको दीक्षा दी, उसका नाम धनुदास हुआ, धनुदास के नाम से वो महात्मा हुआ। तो महाराज भगवान की सुंदरता का चिंतन करो तो संसार का आकर्षण जो है वो मिटेगा। यदि आकर्षण मालूम पड़े तो भगवान का नाम लो, वहां से हट जाओ, उपनिषद का सत्संग की पुस्तकों का पाठ करो। और इस संबंध में शेष जयदयाल गोयनका की जो पुस्तकें हैं वो कामना की निवृत्ति में बड़े सहायक हैं। स्वामी शिवानंद जी की जो पुस्तकें हैं मन के रहस्य और उसका नियंत्रण, बहुत उत्तम पुस्तक है। एक स्वामी शिवानंद जी से अजमेर में उन्होंने ब्रह्मचर्य जी जीवन है एक ऐसी पुस्तक लिखी है, वो बहुत उपयोगी है। अच्छा, और उसमें जब तुम्हें नशा होगा उसका, तो जैसे शराबी आदमी को अपने धर्म का ध्यान नहीं रहता, अपने स्वरूप को भूल जाता है, यदि किसी पुरुष का स्त्री के प्रति और स्त्री का पुरुष के प्रति आता है तो वो बिल्कुल पागल हो जाता है। काम जो है वो पागल बना देता है, नारायण पराचक कामान अनुजंती बाधा, ये देवगुफी का लक्षण है कि बाहर की वस्तुओं को देख करके आदमी मुक्त हो जाता है। कामान जब कामयते मन्यमान सब काम फिर जायते तत्र तत्र पर्याप्त काम से कृपा मनस्को यही सर्वे प्रविलीयंती कामा, इसी जीवन में सारी कामनाओं का नाश हो सकता है। सो महाराज कामना के नाश के लिए अपनी पूर्णता का अनुभव, भगवान के सौंदर्य का चिंतन और बाह्य विषयों में कितना एक विश्व सुंदर्य थे हो महात्मा बुद्ध के समय में, इतना अभिमान था उसको कि किसी को कुछ गिनती नहीं थी। बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने उसके पास प्रस्ताव भेजा, वो टूटा दे मेरे बराबर कौन है, बड़ी सुंदरी सब लोग मौने हो गए उसके। महात्मा बुद्ध ने उसके पास समाचार भेजा तो मेरे पास और बिचारी गई, विश्व सुंदरी 16-17 वर्ष की उम्र, सामने जाने पर बुद्ध ने कहा खड़ी रहो। जब खड़ी हो गई तो उसको ऐसा लगा कि मैं 16 वर्ष की नहीं 25 वर्ष की, फिर लगा कि मैं तो 35-40 की, फिर लगा कि मैं 50-60 की हो गई, हमारे बाल फट रहे हैं, दांत टूट रहे हैं, हमारी कमर जो है वो लटक रही है, मैं लठिया लेके बुढ़िया होके 70-75 बरस की चल रही हूँ। और चिल्लाई महात्मा जी क्या हो रहा है, बुद्ध बोले तो वो कुछ नहीं रहा है, जो होने वाला है सो देखता है, जरा अपने को देखो, अंत में यही होने वाला है, इतराओ मत, अपने सौंदर्य का अभिमान मत करो, एक दिन ये नष्ट हो जाएगा। और जब एक दिन नष्ट हो जाना है तो इसको पाकर इसको लेकर कोई पाप मत करो। नारायण एक मुंबई के सेठ हैं, ईश्वर की कृपा से भी चिंता है, उम्र तो बड़ी हो गई है परंतु चिंता है,
वे एक बार करवास गए श्री उड़िया बाबा जी महाराज के पास। उड़िया बाबा जी से एकांत पर बात की, क्योंकि एकांत पर बात करने वाले प्राय अच्छी बात करने वाले कम ही होते हैं। हमारा बड़ा भारी अनुभव है, आप लोगों को इतना अनुभव हो कि ना हो, वो कहीं कोई मामले मुकदमे की बात करेंगे, कोई स्त्री पुरुष की बात करेंगे, कुछ लेने देने की बात करेंगे, कुछ मानेंगे, अकेले में जाकर सब ईश्वर की बात नहीं करते हैं। सिर्फ ये काम में मिले और बोले महाराज, सुंदर स्त्री को देखकर मेरे मन में काम वासना का उदय हो जाता है, मुझे क्या करना चाहिए। बाबा ने कहा कि बस चाप डाल दो स्त्री के शरीर पर, स्त्री के लिए भी पुरुष, पुरुष की के लिए भी, और चाप डाल दो। पुरुष के शरीर पर चाप नहीं है और स्त्री के शरीर पर चाप नहीं है, क्या होगा आप जानते हैं। चाप ये तो बाहरी सुंदरता है, चाप के भीतर क्या है, खून छल चलाता है, वो बीप निकलती है, हड्डी होती है, मांस होता है, मेदा होता है, मलमूत्र होता है। जब कामांत होता है मनुष्य तो चूक से प्रेम करता है, मलमूत्र से प्रेम करता है, ये काम कितना अनुभव कितना पागल बना देता है। ये काम का जो दोष है उसका चिंतन कीजिए, आपके अनुभव में भी होगा। मैं तो जरा खोल के लोगों के बीच में बोल रहा हूँ, आपके अनुभव में होगा। जब आदमी मोहित हो जाता है तो उसको मल मूत्र खून इनका कुछ भी विचार नहीं होगा। तो इस अवस्था को देखिए, अच्छा शंकर जी का ध्यान कीजिए, जिन्होंने एक नजर में काम को भस्म कर दिया। अरे रे रे कंदर्प, अरे कंदर्प कर्म कदर्थ है, अरे वो काम मेरे सामने तो धनुष बाण चढ़ाता है, देख देख चीत चुंबित चंद्र चूप चरण ज्यादा वर्म वर्त है, मेरे हृदय में चंद्रचूप गंगा जी को अपने सिर पर लिए हुए, चंद्रमा का तिलक लगाए हुए, सांप जिनके शरीर में, वे मेरे हृदय में बैठे हुए हैं, मेरे पास आने का नाम मत ले। ग्रंथों में ये बताया है कि जब प्रहलाद की रक्षा करने के लिए और हिरण्यकशिपु को मारने के लिए युवान नरसिंह खंभे में से काष्ठ पुत्र बने, लकड़ी के बेटे बने, लकड़ी के बेटे, दक्षिण में नरसिंह भगवान को काष्ठ पुत्र कहा जाता है, वो हिरण्यकशिपु की सभा में जो खंभा था उस खंभे को फाड़ करके निकले, और देखो पंजा अपना लेके और हिरण्यकशिपु को मारने के लिए दौड़ रहे हैं, आपका काम जो है वो तुरंत भाग जाएगा। सवेरे उठ के प्रार्थना कीजिए कि मेरे मन में काम का आकर्षण न आवे, प्रतिज्ञा कीजिए आज हम उसके बस में नहीं होंगे, शाम को देख लीजिए कभी हो तो नहीं गए। और देखो गीता में तो यहाँ तक कह दिया, प्राप्त शरीर विमोक्षण, शरीर छूटने से पहले माने शरीर छूटने के बाद जैसी निर्विकारता शरीर में रहती है वैसी पहले आ जानी चाहिए। तो नारायण काम जाना मूलम, उनकी गीता है महाभारत में उसमें श्लोक आया है, एक महात्मा थे महाराज, उनके मन में आया कि खेती करके महात्मा पर विरक्ति जरा ढीली हुई, जरा कर्तव्य का भाव उदय हुआ, हम भिक्षा मांग के खाते हैं ठीक नहीं है, तब तो बोले अपने हाथ से खेती करके अन्न पैदा करेंगे और खाएंगे। दो पैसे आए खरीद और महाराज उनको जोड़ के
छोड़ दिया कि खास करो। अब जब खास करने के लिए गए बेचारे बैल, तो खास करते करते बैठ गए दोनों एक जगह। इतने में कहीं से ऊंट दौड़ता हुआ आया और दोनों के भीतर घुस के अपने कंधे पर जो जुड़े हुए थे दोनों, उनकी रस्सी उठा ली और दोनों लटक गए, एक ऊंट के दाहिने एक बाएं। ऊंट तो बड़ा ऊंचा और बैल छोटे छोटे, लटक गए। अब महात्मा जी बोले, मणि वो स्ट्रक से लंबे थे, जैसे दो हीरे लटका दिए गए हो सफेद सफेद बैल ऊंट के शरीर पर हीरे की तरह लग रहे हैं। अरे मेरे प्यारे बच्चे, तुम लोगों की ये गति, फिर बोले कि देखो अब करो खेती, काम जाना मिते मुदम संकल्पात किल जा। आपको 5 मिनट की कामना पूर्ति करने के लिए 23 घंटे की गुलामी करनी पड़ेगी, 18 घंटे की गुलामी करनी पड़ेगी, करो बेटा। तो काम जाना मित्र मूलम संकल्पात किल जाए थे, अरे वो काम मैं तेरी जड़ जानता हूँ, काट फेंकूंगा। क्या है न त्वाम संकल्प ईशिया में, जब तुम किसी स्त्री को किसी पुरुष को बढ़िया समझते हो, सुखदायी समझते हो, तब न मेरे मन में आते हो संकल्पात किल जाए थे न त्वाम संकल्प ईशिया में, मैं अपने मन में कभी ऐसी कल्पना करूंगा ही नहीं, दिन में न भविष्यति। एक बड़े प्रसिद्ध उपदेशक हैं, उनका एक स्त्री से प्रेम हो गया, गृहस्थ की स्त्री से विवाह ही हुई, तो दोनों में बहुत प्रेम हो गया। वृंदावन की बात है, हम तो एक एक की बख्या हो गए रख सकते हैं, नाम नहीं बताते हैं, जिसकी बड़ी बड़ी पूजा होती है लोग में, क्या स्थिति। बात उठी तो हरि बाबा जी के पास, बुढ़िया बाबा जी का शरीर तो पूरा हो गया था, गई तो हरि बाबा जी ने बुलाया तो बट्टा जी को, बट्टा में 3 गुण होने चाहिए, और एक तो बोलने में निपुण हो और एक बगुलापन जो है दम होम करने में बहुत निपुण हो, और कभी रो जाए और कभी हंस जाए और कभी दोष फोट हो जाए, कीर्तन करते करते ऐसा गिरे कि चश्मे को चोट न लगे। तो एक तो बक्ता को बकता, उसमें बकपना भी होना चाहिए बगुलापना, और दूसरे खाने पीने में बढ़िया होना चाहिए, नहीं तो बोलेगा कैसे। बक्ता जी को बुलाया गया, बाबा ने कहा देख अगर सचमुच तेरा प्रेम है और हिम्मत है तो ब्याह, और ब्याह होने के बाद अपने आश्रम में ही रखेंगे तुमको, और तुम्हारा ऐसे ही आदर करेंगे, ऐसी कथा सुनेंगे जैसे आप सुनते हैं, पर हिम्मत के साथ सच्चाई के साथ तो रहो, और फिर छूट गया हो दोनों का रिश्ता छूट गया। तो ये काम जो है ये इसमें बड़ा सुख है, इसमें बड़ा सुख है, ये सोच सोच के इससे मिलने में मजा आता है, इससे बात करने में मजा आता है, इससे देखने में मजा आता है, नाराज का स्वच्छंद जमाना, अकेले अकेले लंबी लंबी करते हैं यात्रा, होस्टलों में रहते हैं, नारायण अनजान लोगों के साथ मित्रता होती है, चरित्र के प्रति जो आदर का भाव था ना, जो नैतिकता के प्रति आदर का भाव था, यदि वो बना रहता तो ये कामना आगे भी आपके जीवन में व्यवस्थित रहता। ये जो एक अव्यवस्था आ गई है ये बहुत दुख की बात है न, और सावधान रह के सदाचारी सत्संग में अपने को रखना चाहिए और कामना से बचना चाहिए। प्रश्न है, कलयुग में मानसिक पुण्य तो माने जाते हैं, मानसिक पाप नहीं लगते हैं, क्या ये सच है?
मानसिक पाप पुण्य कौन से हैं? जागृत अवस्था व सुषुप्ति अवस्था के मानसिक पाप पुण्यों का भेद अलग अलग समझाएं। कभी जो हुआ है लोगों के मन में अधिकांश पाप भावना का उदय होता है और हो जाता है। यदि उनके फल भी हमारे साथ जोड़े जाए, हर पाप वासना के फल स्वरूप हमको नरक में जाना पड़ेगा, तो नरक ही रहेगा, मरते लोग तो रहेगा ही। इसलिए कलयुग के कानून में कुछ संशोधन करना जरूरी है, और वो ये है कि जब आपके मन में पाप की वासना उठे तो रूप वहीं तक रह जाती है कि उसके आगे पीछे और कुछ होता है। जैसे आपने उस पाप वासना के अनुसार कर्म कर लिया, तो कर्म करने पर तो उसका फल भोगना पड़ेगा, और अपनी बुद्धि से उस पाप वासना का समर्थन किया, ये तो बहुत अच्छी मनोरंजक सुख देने वाली चीज है, तो पीछे से बुद्धि का जब आश्रय मिला और आगे वासना को कर्म करने का अवसर मिला, तब तो वो पाप पूर्ण बन जाएगी और फलदायक हो जाएगी। यदि आप उसके अनुसार कर्म न करने का निश्चय रखते हैं और बुद्धि से उसका समर्थन नहीं करते हैं, तो उसकी स्थिति क्या हो जाएगी कि जैसे स्वप्न में आपके मन में कोई पाप वासना होती है, जागने पर बुद्धि से उसका समर्थन नहीं करता और उसके अनुसार कर्म नहीं करता, तो जैसे स्वप्न की वासना भर देने वाली नहीं होती है। ये तो बात है कि भीतर कुछ न कुछ बीज न होता तो वो वासना उसकी कहां से, तो बीज तो है परंतु उसको अंकुरित होते ही दोनों ओर से काटते, तो वो मानसिक वासना फल देने वाली होगी और बुरी बुरी बातें तो मन में आती रहती हैं, आप उनकी उपेक्षा कीजिए, अपने मन को ऐसा कर दीजिए कि जैसे कालवा देवी रोड पर अच्छे लोग भी निकलते हैं बुरे लोग भी निकलते हैं, आप डंडा लेके खड़े मत होइए कि यहाँ से बुरे लोग यहीं आ सकते हैं, और जो अच्छे लोग वहाँ आ रहे हैं उनको घर में बुला के मेहमान भी मत बनाइए, जो आते हैं जाते हैं आते हैं जाते हैं उनको आने जाने दीजिए, न डंडा मारिए न घर में बुला के रखिए। तो ये जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, कलिकर एक धुनी प्रथापा मानस पुण्य हो ही पापा, श्रीमद् भागवत में इसका मूल श्लोक है, सुकृतान न्यासु सिद्धि नेतराज कृपा निधन। कलयुग में यदि अच्छी वासना किसी के मन में उठे तो धन्य है वो पुरुष कि उसके मन में अच्छी अच्छी वासनाएं उठ रही हैं, वो उन्नति के रास्ते पर जाएगा और आशु सिद्धि शीघ्र उनका फल मिलेगा। लेकिन नेतराज जो दुष्कृत उठते हैं, दुष्कर्म की वासना उठती है, वो तत्काल फल नहीं देती है। कृतानिजन जब
उनका आचरण हम करेंगे तब भी अपना फल देंगे। तो कलयुग के लिए भगवान ने कलयुग के जीवों पर विशेष अनुग्रह किया है, नहीं तो फिर न तो स्वर्ग में जाने के लिए एक आदमी मिलता हो तो खाली हो जाता, और न तो मर्त्य लोक में पापी के सिवाय और कोई रहता, और नरक बिल्कुल भर जाते। इसलिए आप शास्त्रों पर विश्वास कीजिए। एक बात और है, आप लोग पाप पुण्य जो अपने मन से बनाते हैं वो आपके बनाए नहीं बनते हैं, उनकी एक व्यवस्था है। देखो यहाँ सड़क पर दाहिनी ओर से चले बोले सड़क खाली हो, चलने की सुविधा हो, बिल्कुल ही वो कानून से दूर होता है। और अमेरिका में बाएं ओर से चले तो वहां बाएं ओर से चलने ही अपराध होता है, वहां कानून से वो जुड़ होता है। तो ये जो हमारे शाश्वत संविधान है पाप और पुण्य है, वो संविधान से ही बनते हैं। तो उसमें किसी समय के लिए छूट भी होती है, क्योंकि संविधान बनाने का अर्थ ही ये होता है कि वो बनाया हुआ है और वो देश के अनुसार, काल के अनुसार और व्यक्ति के अनुसार, जवान के लिए जो नियम व्रत है वो 10 वर्ष के बच्चे के लिए नहीं है और 80 वर्ष के बुढ़े के लिए भी नहीं है, और आसन्न रोगी है उसके लिए भी नहीं है। यदि वो कर्म ही बुरे होते हैं तो बच्चे के लिए भी होते हैं, बुढ़े के लिए भी होते हैं, रोगी के लिए भी होते हैं। तो कर्म में दोष की स्थापना मत करो। जल्लाद लोगों को फांसी पर चढ़ाता है और उसको वेतन मिलता है, सैनिक सामने वाले को बंदूक की गोली मारता है और उसको पुरस्कार मिलता है, वेतन मिलता है। इसलिए हमारा जो शास्त्रोक्त संविधान है उसमें कहीं कहीं छूट होती है। एक बार की बात है, हरिद्वार में कुंभ का मेला, मैं स्टेशन से उतरा, पैदल चलता था ट्रेन का तिरतर के और पैदल जाना था हाथी पड़ी की ओर। अब मैं नियमानुसार पानी की पाए और चलने लगा, पुलिस ने रोक दिया। मैंने कहा कि मैं बिल्कुल नियमानुसार पानी ओर से जा रहा हूँ, तो मुझे रोकते क्यों? उसने कहा महाराज, मेले के दिनों में जो लोग स्टेशन से उतरते हैं उनको शुरू शुरू में भी दाखिले कर दिया जाता है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार धरती पौड़ी पर जा सके। यदि उनके लिए ये नियम करेंगे कि वो पाए से चलेंगे तो धरती पौड़ी पर जाने में उनको आगे चलते कई सांस करने पड़ेंगे। तो मेले के दिनों में वो बाएं वाला जो नियम है वो स्थगित कर दिया जाता है और दाहिने से जाने का नियम बना दिया जाता है। तो कानून में भी किसी किसी के लिए, कभी कभी के लिए, किसी किसी परिस्थिति में छूट होती है। हमारे गांव के पास की बात है, अपने खेत पर पकड़ा दे रहे थे रात को कई लोग, हमको तो सबका नाम याद है। रात को 7 आदमी चढ़ जाए उस खेत को नुकसान पहुंचाने के लिए, यदि वो खेत की मेड काट लेते तो पूरा का पूरा 80 बीघा का एक खेत पानी में डूब जाता। भरा देने वाले थे, उन्होंने देखा कि अब तो रक्षा करने का कोई उपाय नहीं है, तो गोली चला दी। 8 आदमी मरे, 7 में से 8
जब मुकदमा चला तो जिन लोगों के ऊपर मुकदमा चलाया गया था कि उन्होंने उनको गोली मारी वो तो अलग रह गया। एक बिल्कुल तीसरे आदमी ने जिसका गोली से कोई संबंध नहीं था उसने अदालत में जाकर स्वीकार किया कि मैंने गोली मारी और हमारी जान पर जब धोखे हमारे पास बंदूक है लाइसेंस है हमारे पास बंदूक है हम लेके अपने खेत पर बढ़ा देते हैं जब 60 आदमी मारने के लिए हमको चढ़ जाए तो हम अपनी रक्षा के लिए गोली चलाते हैं आत्मरक्षा के लिए और वो छूट गया जरूर उसने एक बरस तक जेल खाने में रहे थे जब तक मुकदमा तय नहीं होगा। हनुमान चालीसा का 108 पाठ रोज करता एक वर्ष तक 108 हनुमान चालीसा का पाठ करना था छूट गया तो वही मेरे हत्या करने में भी एक छूट है कि आत्मरक्षा के लिए आप गोली चला सकते हैं। वैसे पाप पुण्य के जितने शास्त्रीय नियम है उनमें भी छूट होती है तो कलयुग के लिए खास करके इस समय के लिए ये छूट दे दी गई है कि मन का पाप यदि आप उसको बुद्धि से समर्थन नहीं देते हैं और शरीर से नहीं करते हैं तो उसके लिए आपको कोई पाप कोई नरक नहीं भोगना पड़ेगा न पशु पक्षी दोनों में जाना पड़ेगा तो वो बिल्कुल कल कर एक प्रतापा प्रताप तभी होगा वो कब कलयुग का पुनीत प्रताप कब होगा जब पाप नहीं होंगे। यदि कलयुग में भी पाप से बचने के लिए छूट होगी नहीं तो मानस पुण्य तो सभी युग में होते हैं तो कलयुग में मानस पुण्य होता है और मानस पाप होता है। प्रश्न है भगवती माँ दुर्गा की आराधना किस विधि से की जाए कि कामना की पूर्ति हो। देखो न तो पूछने वाले के मन में क्या कामना है कौन सी कामना की पूर्ति के लिए वो दुर्गा माँ की उपासना करना चाहते हैं चाहते हो अरबों रुपया और दो चार पाठ कर लेना चाहते हो वो देवता लोग हिसाब किताब समझते हैं। एक तो उनके अंदर माँ दुर्गा की उपासना की योग्यता होनी चाहिए अधिकार और दूसरे श्रद्धा होनी चाहिए कि पाठ से हमारी कामना पूरी होगी। तीसरे विधि पूर्वक होना चाहिए और चौथे जितनी बड़ी कामना हो उसके हिसाब से होना चाहिए। यदि करोड़ रुपए की कामना हो तो ईमानदारी से 10 लाख रुपया खर्च होना चाहिए तो 10 लाख न करें 1 लाख से करें और चाहेंगे करोड़ रुपया और करावेंगे 5-7 या 5-700 रुपया खर्च करें तो देवता लोगों को बिल्कुल गणित न आता हो या हिसाब न आता हो ऐसा नहीं। अब रही बात ये कि न कामना मालूम उनको न वो दुर्गा पाठ कैसा करना चाहते हैं वो मालूम कितने दिन का करना चाहते हैं कितना खर्च उठाना चाहते हैं तो ये जिसने उनको पाठ करना बताया हो उनसे ही उनको इसके बारे में सलाह करनी चाहिए। वैसे दुर्गा पाठ भी मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही है
निष्काम भाव से उसका यदि पाठ किया जाए तो जैसे समाधि वैश्य को अंत में मुक्ति मिली, दुर्गा पाठ में तो तत्व ज्ञान की बहुत सारी बातें भरी हुई है, तत्व ज्ञान ही तत्व ज्ञान है। और जैसे राजा सूरत को पहले कामना की पूर्ति होकर और निष्काम हो जाने पर उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई, वैसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जहां तक हो सके देवता के सामने जाना, तो मांगने के लिए नहीं जाना, कुछ देने के लिए जाना चाहिए। हाँ, तुम नारायण अपना थोड़ा हाथ जोड़ो, पांव से परिक्रमा कर दो, जीव से स्तोत्र उठो, हाथ से दर्शन करो, कान से उनके बारे में श्रवण करो। कामना की गंदगी अगर दिल में ना हो तो वो सबसे बढ़िया रहता है। इसलिए आप यदि अपनी कामना को छोड़ सकते हो और दुर्गा माँ की उपासना, माँ की सेवा इसलिए नहीं की जाती है कि वो मरेगी तो अपने पास रखा हुआ धन उनको दे जाएगी। माँ की उपासना इसलिए की जाती है कि वो हमारी माँ है, उसकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। एक पुत्र का कर्तव्य है कि वो माँ की सेवा करे, इसके लिए माँ की सेवा की जाती है। दिन भर मांगते रहो कि माँ हमको ये दो ये दो ये दो, कैसा बेटा माँ की सेवा करने के लिए है कि माँ से मांगने के लिए है? हाँ, यदि अनिवार्य कोई कारण हो, देखो हम मांगते थे अपनी माँ से, साधुओं में भटक गए, कहीं दो दिन चार दिन लग गया, अब हमको पता लगता कि हम जाएंगे तो हमारी माँ हमारे ऊपर बहुत नाराज हो, अब मैं क्या करता कि आंगन में पहुंचते ही बैठ ही नीचे बैठ जाता और कहता कि दो दिन से हमको रोटी नहीं मिली है माँ, अरे मेरी माँ, माँ का तो सारे गुस्सा होता जाता, वो पहले खाने के लिए कुछ लेने भूल जाती है ना। तो माँ की सेवा कुछ लेने के लिए नहीं किया जाता है, माँ की सेवा तो अपनी कमाई माँ के चरणों में भेंट करने के लिए की जाती है। आप यदि दुर्गा पाठ पढ़ते हो तो एक श्लोक आपको सुना देता हूँ, अष्टम्याम मां चतुर्दश्याम नवम्याम चैक चेत सहा ददाति प्रतिकृति नैसा प्रसिद्धि। अष्टमी चतुर्दशी और नवमी के लिए जो कुछ अपने पास हो सब मां के चरणों में रख लेना चाहिए और फिर वो जो प्रसाद रूप से थे उसको ग्रहण करना चाहिए। ये दुर्गा की पूजा में जितने ये कीलकों था है नन्न देशा प्रसिद्ध थे, इसके बिना सिद्ध नहीं होते।